नमस्कार दोस्तों, आज मैं अवेलेबल नहीं हूं तो कोई एनालिसिस वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अवेलेबल होगा संडे इवनिंग से। तो आज का एक्सपायरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, लगभग 18,500 का भाव टेस्ट कर लिया है निफ्टी, और 600 भी मुझे लगता है कल टेस्ट कर लेगा लाइफ टाइम हाई। ओके, तो जो निफ्टी का नियर टारगेट था वो लगभग कल पूरा हो जाना चाहिए जैसा दिख रहा है। ओके, तो हमारा आज प्रॉफिट अच्छा नहीं रहा है, अभी स्क्रीन भी शेयर करूँगा आप लोगों को, लेकिन पहले कुछ पॉइंट आपको शेयर करता हूँ। जैसे मेरा व्यू था कि मार्केट की जो क्लोजिंग आना चाहिए वो 18,300 के आसपास आना चाहिए। मॉर्निंग ओपन भी हुआ था, हम लोग ठीक थे, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा मार्केट में इसी आसपास ट्रेड करेगा तो अच्छा रह जाएगा, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। फिक्स लॉस था तो मैंने पोजीशन को होल्ड रखा था, इसके बाद देखा कि मार्केट में काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ रहा है तो पोजीशन को अपन कट कर दिए थे। लेकिन एक पॉइंट और आप लोगों को शेयर करूंगा कि मैं कल बताया था कि 3 बजे के बाद का जो मूवमेंट होता है ना, आजकल काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो आप देखिए कि 3 बजे के बाद ही जो मूवमेंट आया, लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिला है। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग था, कम्प्लीटली शॉर्ट कवरिंग है, और कल 18,600 भी मार्केट टेस्ट कर लेगा। मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये देखिए। तो देखिए, क्योंकि हम लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड बनाए थे, मतलब साइडवेज व्यू का ट्रेड बनाए थे, मैंने बड़ा क्वांटिटीज़ में मतलब आयरन बटरफ्लाई बना के गया था, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं मिला, 20-25 हज़ार रुपये लॉस हुआ तो मैंने कट कर दिया। इसके बाद एक मल्टी स्ट्राइक बनाया था, उसमें भी प्रॉफिट नहीं मिला। तो काफ़ी सारा ट्रेड डाला था, मैं 2-3 ट्रेड डाला था, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 18,300 का जो प्रॉफिट लॉस है काफ़ी बड़ा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट रहा है वो सिर्फ 5,000 रहा है। तो ऐसे मार्केट में भी जब हमारे व्यू पे मार्केट नहीं है, तब भी अगर आपको लॉस नहीं होता है, आप प्रॉफिट में रहते हैं, तो मुझे लगता है वेल एंड गुड। चलिए, ये हमारे व्यू के हिसाब से मार्केट मूवमेंट नहीं किया, अगेंस्ट रह गया तो क्या हुआ, हमें लॉस तो नहीं हुआ। तो इसलिए ट्राई करना है, कोशिश करना है कि जो आप ट्रेड करते हैं उसमें बिलीव करके ट्रेड करते रहना है। ओके, अभी मार्केट का नियर हाई है वो 18,600 होने वाला है, फिर देखेंगे मार्केट का मूवमेंट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। क्योंकि जैसे हाई ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट तो इसमें अपर साइड फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप ट्राई कर सकते हैं 18,600 के आसपास, कोई भी बेरिश कैंडल मिले तो एक आध शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं आप, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर ब्रेकआउट होगा तो कंटिन्यू अपर साइड चला जाएगा, क्योंकि कल ही नया लाइफ टाइम हाई भी टेस्ट कर सकता है मार्केट, और नया सीरीज भी शुरू हो जाएगा दिसंबर सीरीज। तो नया सीरीज बनेगा, मतलब हो सकता है कि लोगों का इसमें भी बाइंग पोजीशन रह जाए, तो शॉर्ट पोजीशन जब क्रिएट होगा तब पता चलेगा कहीं से मार्केट रेजिस्टेंस बना के नीचे आएगा। तो एक मोमेंट तो अपर साइड में मिलना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 45,000 का कॉल सेल किया हुआ है दिसंबर का, और 41,000 का पुट। मुझे लगता है कि इसमें 4-5 दिन अगर होल्ड करना पड़ा तो मैं होल्ड कर लूँगा, और अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा तो वेल एंड गुड, कल मैं इस पोजीशन को कट करूँगा, अदरवाइज़ कैरी फॉरवर्ड भी करूँगा। तो ऐसे व्यू के साथ मैं पोजीशन बनाया हूँ, और देखिए कल कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, कैसा मूवमेंट करता है आप लोग देखिएगा। कल मैं अपडेट नहीं करूँगा, नेक्स्ट अपडेट आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल में भी और यूट्यूब में भी मंडे से। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।